जनपद संभल के चंदोसी में सीएल गैस एजेंसी परिवार ने समाज की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई। इस अवसर पर सीएल गैस एजेंसी के मालिक सतीश प्रेमी ने कहा कि सावित्रीबाई उस समय पहली महिला शिक्षिका बनी जब महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी अच्छा नहीं समझा जाता था। उस समय सावित्रीबाई ने एक मिसाल बनकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और शिक्षिका बनी। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा का महिलाओं के लिए बहुत काम किया, देश में शुरुआत की, उनका जन्मदिन है। देश की प्रथम महिला शिक्षिका थी, हम लोगों ने आज उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया था। तमाम समाज संस्थाओं के लोग साथ में थे। बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारी प्रेरणा स्वरूप जो परम पूज्य बाबा साहब हमेशा कहा करते थे कि जो समाज शिक्षा में आगे होगा वो समाज किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होगा, उसी मकसद को लेकर के आज हमने माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर ये संकल्प लिया है कि स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को देखेंगे कि सरकारी सुविधाएं जो मिल रही हैं बच्चों तक पहुंच पा रही नहीं पहुंच पा रही, प्राइमरी स्कूलों पर ये कोशिश करके कि जो उनमें कमियां होंगी विनम्रता से हम सब प्रशासन से वो करेंगे कि प्रशासन पूरा करे उनको। माता सावित्रीबाई फुले बहुत बड़ी शख्सियत थी। महात्मा ज्योतिबाई फुले बहुत बड़े हैसियत के लोग थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया। जब महिलाओं को समाज में कोई पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था उस वक्त माता सावित्रीबाई फुले निकल के आई, उन्होंने महिलाओं को शिक्षा दी और तमाम मान अपमान के बावजूद अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, पूरे देश को पूरी दुनिया को बताया कि जो महिला समाज अगर शिक्षित होगा पढ़ लिख करके देश और प्रदेश में अपना राष्ट्र में योगदान देगा तो बहुत बड़ा काम होगा, देश राष्ट्र हमेशा भरा पूरा रहेगा। राष्ट्र महान जब भी बनेगा जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार होगा, शिक्षा का अधिकार होगा, महिलाएं आगे होंगी। ये राष्ट्र का मानक है महान होने का, बड़ा होने का, सशक्त होने का।